सबसे पहले मिश्रा साहब आपसे शुरू करते हैं। ये जो एक नए किस्म की फिलॉसफी, पहले तो नोटों की और फिर नोटों की करेंसी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं की, हाँ जी, ये और हमारे हिंदुस्तान में कितने सेक्ट्स हैं, कितने रिलीजन हैं, हाँ जी, वो सारे भी जो हैं अपना जो है कल को दावा कर सकते हैं। आप क्या सोचते हो कि इसके पीछे अकलमंदी क्या है केजरीवाल जैसे आदमी को ये बात करने की? आईआईटी वो अपना आईआईटी का आदमी है, हाँ जी, इतनी पढ़ा लिखा है, ये क्या समझ है? डॉक्टर साहब, ये बहुत इंटेलेक्चुअल टॉपिक है। देखिए, भारत में नेता लोग अगर कुछ बोले तो उसके पीछे नेतागिरी होती है। आप केजरीवाल से अगर खुद पूछ लिया जाए कि ये चीज किया जाए या ना किया जाए, 5 बेनिफिट और 5 लॉसेस बताइए इंटेलेक्चुअलिटी तर्क के बेस पे, तो वो नहीं बता पाएंगे। उनको शोहरत लूटनी होती है, तो इसको बीजेपी कांग्रेस और ये मत करिए। हम देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है क्वायंस और रुपीज और करेंसी के बारे में, और इसको इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शुरुआत करने के पहले मैं आपको बताऊं, 2011 का एक क्वाइनेज एक्ट है, भारत की मैं बात कर रहा हूं। जी, तो अपने देश में जैसे 2002 में महावीर जैन के ऊपर एक मेमोरी के लिए वो चीज किया गया था, उनकी याद में क्वायन जो है किया गया था, गुरु ग्रंथ साहब का 300 साल हुआ था तो उसके ऊपर हुआ था, मदर टेरेसा वगैरह के ऊपर भी हुआ था। तो 2011 में, 11 या 13 में एक केस किया था, दो मुस्लिम थे कोई, उन्होंने पीआईएल दाखिल की थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई एज पर संविधान, संविधान के हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, ये संविधान की बात हो गई। अब जरा इतिहास में जाते हैं। जब जब समृद्धि रही है, शांति रही है, तो सिक्कों पे किसी न किसी तरीके से धर्म या धर्म प्रतीक अंकित रहे हैं। हम अपने भारत की बात करें तो जो हमारा अशोक का स्तंभ है वो भी तो धम्म चक्र है। नीचे जो लिखा गया है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है कि सत्य की ही जीत होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट घटना मैं आपको बताता हूं, अमेरिका ने 1956 में अपने करेंसी नोट पे लिखा इन गॉड वी ट्रस्ट। उसके पहले होता था वन एमंग मेनी, कुछ इसी तरीके का होता था, उन्होंने उसको रिप्लेस किया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, भारत में शेर शाह सूरी ने सिक्के चलाए, चारों खलीफाओं के उसपे नाम और प्रतीक चिन्ह थे। अकबर ने, ये ध्यान से सुनिएगा, अकबर ने राम सिया मुद्रा चलाई थी टोडरमल के कहने पे, वो उसमें दिमाग टोडरमल का था क्योंकि शासन व्यवस्था इन सब चीजों में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और उस लेवल की पीस और प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही थी। तो राम सिया मुद्रा के 3 सिक्के केवल बाकी हैं आज की डेट में, 1 सोने का है और 2 चांदी का बचा हुआ है। इसके साथ अगर मैं इतिहास आपको बताऊं, गुप्त काल में आप देखिए तो गुप्तों के यहाँ तो महालक्ष्मी और इन सब की तस्वीरें होती थी। बिहार में जब ये षोडश महाजनपद वगैरह का कॉन्सेप्ट आया उस वक्त भी था। मैं जब ये सारी स्टडी कर रहा था ना डॉक्टर साहब, तो एक मैंने बड़ा खास चीज देखा कि अगर आपने सिक्कों के ऊपर जिन राजाओं ने ये सब चीजें धर्म से रिलेटेड प्रतीक लिखे हुए हैं, तो उस वक्त प्रॉस्पेरिटी बहुत रही है, पीस बहुत रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हुमायूं और बाबर ने कोई धर्म प्रतीक के सिक्के नहीं चलाए, दोनों जिंदगी भर लड़ते रहे और हुमायूं तो 10 साल के लिए भाग भी गया था, शेर शाह सूरी ने भगा दिया था। अकबर ने ये चलाया तो मुगलों में सबसे ज्यादा ग्लोरियस जो रहा, प्रॉस्पेरिटी वगैरह रही, वो लगभग अकबर के टाइम पे रही। हालांकि वो दिमाग टोडरमल का था, टोडरमल ने सलाह दिया कि ऐसा करिए तो हमारे राज्य को प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। इंडोनेशिया का लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि गणेश जी की उन्होंने फोटो छापी तो महंगाई वगैरह, करेंसी डिवेल्युएशन वगैरह कम हुआ, कुछ स्थिरता आई। इसी तरीके से आप पास्ट में जाकर के और देखेंगे तो हिंदू राजा रहे हो या कोई और भी रहा हो, कई लोगों ने उस समय से संबंधित, धर्म से संबंधित जो है ये सिक्कों पे जो है वो ढलवाए हैं प्रतीक चिन्हों को। अमेरिका का मैं बोलता हूं, देखिए सबसे बड़ी पॉइंट जो मैंने नोट किया वो ये था कि जब भी धर्म प्रतीकों का, वो किसी भी कल्चर में रहा हो, मुस्लिम में रहा हो, अरबों का भी अपना इतिहास है, दिरम जो उनकी करेंसी है उसकी इटिमोलॉजी देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो संस्कृत के धर्म या अपभ्रंश धर्म से वो दिरम बन करके निकलता है। तो आज की डेट में देखिए दिरम कितना प्रॉस्परस एरिया है। भारत में जब जब सिक्कों पर या करेंसी पर
किसी देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह रहे हैं, प्रॉस्पर्टी और शांति अपने चरम पे रही है। अमेरिका का लेटेस्ट एग्जाम्पल लीजिए, 1956 में जब इन्होंने लिखा अपना मोटो एडॉप्ट किया नया, इन गॉड वी ट्रस्ट, उसके पहले जस्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, अमेरिका कोई डिक्लेयर्ड वो नहीं था, बिग बॉस पूरी दुनिया का नहीं था, अमेरिका आज की डेट में बिग बॉस है दुनिया का, वो है केवल पैसे के कारण, रुपए के कारण। 1956 के बाद जब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी रीसेटल हो रही थी और इन्होंने जैसे ही ये चीज एडॉप्ट की, उनका डॉलर देखिए पूरी दुनिया में छा गया है। इकोनॉमी के दम पे उन्होंने मिलिट्री बनाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रगति की, और पैसे और इकोनॉमी के दम पे ही वो राज कर रहे हैं। अगर अमेरिका की इकोनॉमी कंगाल हो जाए तो सोवियत संघ की तरह उसको 26 स्टेट में टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इसको चाहे केजरीवाल बोले, मैंने बोला भारत में पहले भी चला है, महावीर जैन के ऊपर जो है प्रतीकात्मक सिक्के निकले हैं उनके सम्मान में, गुरु ग्रंथ साहब के 300 साल पूरे होने पे निकले हैं, और 2011 में हाई कोर्ट में दो मुस्लिम ने अपील किया था तो वो मना कर दिया गया था। मेरे कहने का मतलब, अगर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय मोटो, उद्घोष वाक्य, अगर ये धार्मिक हो सकते हैं, तो जो अपने लैंड की, अपने धरती की है, गणेश और लक्ष्मी वगैरह इन सब की तस्वीरें होने में भी जो है कोई बुराई नहीं है। और मुझे अभी, मैंने अकबर का एग्जाम्पल दिया कि जब बहुत ज्यादा टर्मोइल था तो राजा टोडरमल ने यह सलाह दिया कि राम सिया जो है आप सिक्का चलाइए, उससे प्रॉस्पेरिटी और पीस आएगा, और ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं प्रूफ के साथ ये बोल सकता हूँ कि राम और राम सिया जो है क्वाइन जो है अकबर के टाइम पे चला था। तो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट देखे तो जब जब करेंसी को या करेंसी के ऊपर किसी धर्म को जो है प्रतिबिंबित किया गया है, अंकित किया गया है, तो वहां पे स्टेबिलिटी ये सब चीजें बहुत रही हैं। आज की डेट में भी ये करना कोई बुराई नहीं है, एक अगर जनरल कंसेंसस बने, सारे लोग अगर तैयार हैं, तो यहाँ के अपने देश के जितने भी धर्म है 3-4 उनसे रिलेटेड छापना जो है कोई बुरी चीज नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसका, अगर नोटों पर आपने ये चीज छाप दिया तो एक बड़ा इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। अगर गॉड गॉडेस वगैरह की तस्वीरें हैं ना, तो नोट की जो सेल्फ लाइफ होती है या लाइफ होती है बढ़ जाएगी। उसके पीछे कारण है, लोग श्रद्धा भाव के कारण किसी न किसी कारण से उसको केयरफुली यूज करेंगे, नोटों की लाइफ बढ़ेगी, तो फिर बार बार जो करेंसी छापना पड़ता है उसमें भी पैसा लगता है, खर्चा आता है, ये एक फैक्टर है।